हेलो दोस्तों, माय नेम इज हरिओम दीक्षित। इस वीडियो में आपको वर्ल्ड के कुछ इन्वेंटर उनकी इन्वेंशंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्टेड। इन्वेंशन नंबर फर्स्ट, दोस्तों आपको तो पता ही होगा आज के समय में हम मनोरंजन और समाचार के लिए बहुत ही उन्नत माध्यमों का प्रयोग करते हैं। पर दोस्तों पहले के समय में लोग समाचार और मनोरंजन के लिए पूर्णतः रेडियो पर ही निर्भर रहते थे। तो दोस्तों आप जानना चाहेंगे रेडियो का आविष्कार किसने किया? रेडियो का इन्वेंशन करने वाले व्यक्ति का नाम गुग्लियेल्मो मार्कोनी था। इनका जन्म इटली में हुआ था। ये एक इन्वेंटर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। इन्हें नोबेल प्राइज भी प्राप्त था। इनके कंट्रीब्यूशन के लिए वायरलेस टेलीग्राफी में इन्होंने रेडियो का इन्वेंशन सन 1895 ईस्वी में किया था। ये बचपन से ही साइंस के क्रियाकलापों में बहुत रुचि रखते थे। इनके पिताजी इनके कार्यों से खुश नहीं थे, पर इनकी माँ इनके कार्यों में इनका सहयोग करती थी। ये अपने कार्यों में इतने व्यस्त रहा करते थे कि ये अपने कमरे से नीचे उतर कर खाना खाने तक नहीं आया करते थे। तो दोस्तों ये था इनके बारे में। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने फैक्ट नंबर वन की तरफ। दोस्तों आपको पता है दुनिया का सबसे पहला रेडियो स्टेशन न्यूयॉर्क के हाई ब्रिज इलाके में सन 1928 में शुरू किया गया था। चलिए दोस्तों चलते हैं फैक्ट नंबर टू की तरफ। दोस्तों आपको पता है कि रेडियो ट्रांसमिशन के लिए जो हम वर्ड ब्रॉडकास्टिंग यूज करते हैं ये कृषि से जुड़ा हुआ है, जिसमें इसका मतलब है बीजों को बिखेरना। चलिए दोस्तों चलते हैं इन्वेंशन नंबर टू की तरफ। दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि आज हवाई जहाज ने हमारी यात्रा को कितना सुगम और दूर की यात्रा को कितना सरल बना दिया है। पर क्या आपको पता है कि इसका इन्वेंशन किसने किया? दोस्तों इसका इन्वेंशन राइट्स ब्रदर ने किया था। ऑर्विल और विल्बर राइट्स ये दोनों अमेरिकन थे। ये जाने जाते थे हवाई जहाज को बनाने, उसे सफलतापूर्वक उड़ाने के लिए। इन्होंने ही फर्स्ट कंट्रोल एरोप्लेन 17 दिसंबर 1903 को बनाया था। दोस्तों बचपन में इनके पिता ने इनको एक खिलौने वाला हेलीकॉप्टर ला के दिया था, जिससे ये दोनों भाई दिन रात खेला करते थे। इसी हेलीकॉप्टर ने इनको असली का उड़न यंत्र बनाने के लिए प्रेरित किया था। तो दोस्तों ये थी एरोप्लेन के इन्वेंशन की कहानी। चलिए दोस्तों चलते हैं फैक्ट नंबर थ्री की तरफ। दोस्तों आपको पता है पूरी दुनिया में हर रोज 2 लाख से ज़्यादा एरोप्लेन उड़ान भरते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं फैक्ट नंबर फोर की तरफ। दोस्तों आपको पता है कि हर 5 इंसान में से एक इंसान को हवाई जहाज में यात्रा करने का या उड़ने का डर होता है, जिसे एवियोफोबिया कहते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं इन्वेंशन नंबर थ्री की तरफ। अब बात करते हैं वीडियो के टाइटल यानी टेलीफोन के इन्वेंशन की। दोस्तों टेलीफोन का इन्वेंशन अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था, जिनका जन्म स्कॉटलैंड में हुआ था। ये एक इन्वेंटर, इंजीनियर, साइंटिस्ट और प्रोफेसर थे। इन्होंने ही टेलीफोन का इन्वेंशन सन 1876 ईस्वी में किया था। दोस्तों इन्हें बचपन में ध्वनि विज्ञान में बहुत रुचि थी। तो देखिए दोस्तों इन्होंने बड़े होके टेलीफोन का इन्वेंशन किया। तो चलिए दोस्तों चलते हैं फैक्ट नंबर फाइव की ओर। दोस्तों आपको पता है कि इनकी मृत्यु के समय इनकी स्मृति के लिए पूरे अमेरिका में 1 मिनट के लिए टेलीफोन सेवा बंद की गई थी। तो दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस पर लाइक कर दीजिएगा।